हाँ जी मेरे यारो दोस्तों, मैं फिर जनाब जिस टाइम दुआ मंगी रब्बा सोनिया, हुण जिंदगी दियां मुश्किलातां चलो कुछ घट होईयां ने, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ते रब्बा सोनिया हुण जिंदगी नवें सिरे तो शुरू कीती है, ते ये आसानियां आसानियां चलदियां ही रहन, ते मेरा शुक्र भी अलहमदुलिल्लाह चलदा ही रवे जब तक सा नाल सा बाकी है। ते कदे टाइम होना ना मेरे दोस्तों, फ्री टाइम होना, कदी छुट्टी होनी, ते फिर मैं इस जगह ते आ जाना करना। ऐ जी इत्थे एक बिल्डिंग बनी है, बहरहाल इहदा मैं तुहानू विजिट करवाना। इहदे नाल परली साइड ते ना दूसरी साइड ते पार्क बनिया बड़ा खूबसूरत। ते ए ओ जगह वे जिस जगह दे उत्ते ए दो नदियां आपस विच मिलदियां ने। बहरल चलने हैं इधर नू। ए यार मैं अपनी जिंदगी दा जड़ा वक्त गुजारे है अच्छा माशाल्लाह, मैं उस नू सेव करना पिया। अपना जमीन दे नाल पैर लग्या कदी भी नहीं बंदे नू भुलना चाहिदा। जिस जगह तो बंदा उठिया होवे, जिथों अल्लाह पाक दी जात ने सारा कुछ दिता होवे। मेरे दोस्तों असी पाकिस्तान तो आ के ते जिस टाइम इन्हां मुल्कां च उतरने आ, सब तो पहले सानू थोड़ी जी सोच बदलन दी जरूरत है। वो सोच की है? वो सोच ये वे कि असी पाकिस्तान तो आए हाँ अपनिया अपनिया फैमिलियां नू मजबूत करने वास्ते। तो जिस टाइम असं पाकिस्तान में निकल आए हैं, तो फिर जड़े जड़े मुल्कों भी उतरे हैं, उत्थे जड़े सानू पहले दिन भैन भरा मिलते हैं, उन्हां भैन भरावां नू जड़े ले बड़े मान दे नाल आवाज मारीए ना, तो फिर मेरे यारो दोस्तों उन्हां भैन भरावां दे नाल तलक इस तरह के होने चाहिए ने कि कल अगर ये जिंदगी रवे या ना रवे, वो भैन भरा बाकी रहने चाहिए ने यार। क्योंकि मजबूरियां किसी दियां भी नहीं होंदियां, एक दूसरे के हाथ फड़ना इन्हां प्रदेशों के विच उस टाइम के उत्ते जिस टाइम कुछ इंसानों ने किसी नूं भी अपना हाथ फड़ाना मुनासिब ही ना समझिया होवे कि यार पता नहीं वह खुद किस हालात च होएगा। बहरहाल ये सारे हौसले तो ये सारिया गल्लां अल्लाह पाक की जात ने देनियां होंदियां ने। तो सानू मेरा तो ख्याल है कि जिंदगी दे हर मामले दे विच तहमल मिजाजी ते अपने दीन दी रोशनी दे नाल चलदियां चलदियां सानू हलाल हराम दी भी तमीज़ रखदियां होयां इन्हां यूरोपां दे विच अपनी जिंदगी नू गुजारन दी कोशिश करनी चाहीदी है यार। मैं ते बड़े बड़े स्पेनशां दे विच बह के ते इन्हां जगह जनाबे आली असी इत्थे बरबाकूआ करके ना ते इत्थे बह के सारे कट्ठे खांदे रहे हैं। उन्हां अपना जो कुछ मर्जी जनाबे आली इत्थे पिया भुन्ना ना, ते मैं भी घरों आउंदिया छोटा गोश्त अद्धा किलो लै ही आना करना, ते अपनी जाली जिदे ते मैं अपना बरबाकूआ करदा हाँ, जिस तरह यह जाली पई है इस तरह मैं अपनी जाली अपनी खुद लै के आउंदा सां, इस वास्ते कि मैं अपनी जाली भी पाक ही इस्तेमाल करना चाहता सा। बह के इन लोगों के नाल जिस टाइम खाना पीना बहना खिलौना तो नाले जनाबे लिए गल्लां पता करनिया जुबान सीखनी मामला सीखने, फिर इत्थे दियां जड़ियां तबाहियां साढ़े मुल्क जड़ी तबाही अज लैन डई है, ये तबाहियां पहले इन मुल्कों के विच साढ़े नालों डबल तबाहियां लथियां ने। वो तबाहियां इन लोगों ने अज भी याद रखिया ने, उसकी वजह तो ये लोग अपनी नॉलेज दे नाल अपनी तालीम दे नाल अपने जड़े इन्होंने सिस्टम मजबूत किते ने, उदे नाल इस दुनिया नू जिस तरह भी लैके चलते ने पै वो सारिया नू समझ ते आउंदी है ना पई। बहरहाल मैं कड़ा कोई पढ़िया लिखिया जे मेरा वीर मैं कोई नहीं जे पढ़िया लिखिया सादा आदमी हाँ, वो जड़े जड़े कोई लफज कोई गल कोई बात मेरे
बोलदिया बोलदिया जुबान ते चढ़दी जांदी है, मैं बोलदा जांदा जे ते बहरहाल अल्लाह पाक दी जात दुआ करया करो कि मैनू अच्छे अल्फाज जड़े ने ओ चुनन दी तौफीक अता करे।